हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैं अपना कॉस्मेटिक शॉप का जर्नी आप लोगों के साथ ही स्टार्ट की थी। जब से मैंने कॉस्मेटिक शॉप ओपन किया था तब से मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब में चैनल में जुड़ी हुई हूँ। आपको हर एक शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं अपने शॉप में क्या क्या सामान लेकर के आती हूँ, क्या क्या सेल करती हूँ। तो आज के वीडियो में गाइज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं आज कौन सा सामान लेकर के आया हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने जिससे कि थंबनेल में बताया है कि मैं सबका एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको रिप्लाई यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे मेरे स्क्रीन पे पूछा गया है कितना पैसा लगता है कम से कम, तो स्क्रीन का बोलने का मतलब कि कॉस्मेटिक शॉप में कम से कम कितना पैसा लगता है। तो गाइस मैं बता देती हूँ कि इसमें कम से कम आपको ये सब कुछ आइडिया नहीं कर सकते हो, आप अपने ऊपर हो आप कितना बड़ा कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप थोड़े से मिनिमम 2 लाख रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 लाख इसलिए गाइस क्योंकि क्या होता है, फर्नीचर रेडी करने के लिए ही अगर बहुत ही कम बजट है फिर भी 1 लाख रुपीस आपका फर्नीचर रेडी करने में ही चला जाता है। कितना भी सस्ता वाला क्यों ना बनवाओ फिर भी 1 लाख रुपीस आपको रेडी करने में चला ही जाता है मिनिमम। एंड रही बात कॉस्मेटिक शॉप में प्रोडक्ट्स रखने की, तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज़ का तो कॉस्मेटिक शॉप रखना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर इतना क्वालिटी नहीं रखोगे तो आपको आपके शॉप में प्रोडक्ट्स ही दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो कस्टमर विजिट नहीं करने वाले हैं। तो आपका एक मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है। आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो, और आप ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन करिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई देने वाली हूँ। आई होप आपको ये कमेंट्स भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ हो। सो गाइज़ मैं अब बढ़ती हूँ अपने वीडियो की तरफ। आपको एक एक करके आपको मैं अपना सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर के आई थी अपने कॉस्मेटिक शॉप के लिए। कि मैंने कुछ कंगन के सेट लेकर के आया है, जो एक थोड़ा सा हैवी रेंज में बनता है वो कंगन, तो वो मैंने सेट लेकर के आया। एक चौड़े में लेकर के आया, उसके साइड साइड में लगाने के लिए पतला वाला मिरर लेकर के आई हूँ। तो ये 2 मैंने कंगन का सेट लेकर के आया है। और नेक्स्ट मैंने ये मरून कलर का एक चूड़ा सेट लेकर के आया है। ये एक बार मेरे पास आया हुआ था तो वो 2-4 साइज़ था, तो एक क्लाइंट थी कस्टमर थी तो उसको 2-8 का साइज़ चाहिए था, तो मैं 2-8 का लेकर के आई हूँ। और ये कुछ शैम्पू फेस वॉश लेकर के आई हूँ। फेस वॉश मैं हर बार जाती हूँ दो तीन लेकर के आती हूँ। तो मैं अभी नवरात्रि में सेल रखी थी, 20% ऑफ का सेल रखी थी, तो मेरे सारे फेस वॉश निकल चुके थे। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, ये मैं नीम का लेकर के आई हूँ। इसका MRP जैसे कि आप देख सकते हैं 199 होता है, मैं 20% ऑफ में रखी थी तो मेरा सारा सेल हो गया था। मैं हर वैरायटी का लेकर के आई हूँ, नीम का लेकर के आई हूँ, गोल्ड का, वाइटनिंग, चारकोल, पपाया, सारा सेट लेकर के आई हूँ। ये चारकोल का मैं 2 लेकर के आई हूँ क्योंकि चारकोल का मेरे यहाँ ज़्यादा सेल होता है। तो 6 पीस का मैंने फेस वॉश लेकर के आया, जैसे कि मैंने सेल में करती हूँ तो मैं ऐसी निकाल देती हूँ, तो मैं इसे ज़्यादा पीस लेकर के आती हूँ। और ये ब्राइडल फेशियल किट O3 का लेकर के आया, एक मैं सबसे पहले लेकर के आई थी। आई होप आप लोग वीडियो में याद होगा, मैं ये सबसे पहले लेकर के आई थी विटामिन सी ग्लोइंग स्किन का। और ये मैंने ये ब्राइडल किट लेकर के आया है रेडियंस ग्लोइंग स्किन का, सिंगल यूज़ होता है ये, आप ला सकते हो अपने शॉप में, ये भी ज़्यादा विजिट करते हैं। अगर ये आप देखोगे तो 780 रुपीज़ का है, और ये कुछ 830 रुपीज़ का है। तो ये दोनों भी अलग अलग रेंज का होता है। विटामिन सी का थोड़ा सस्ता होता है और रेडियंस ब्राइडल ग्लो का थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो ये दोनों अलग अलग रेंज का है। तो मैंने दोनों अलग अलग लेकर के आया, एक पहले लेकर के आई थी, एक अभी लेकर के आई हूँ। ये मेरा O3 का सिंगल पैकेट वाला है, सिंगल यूज़ का। अभी मैं एक कॉम्बो पैक भी लेकर के आने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम शायद हो सकेगा तो मैं लेकर के आऊँगी, ट्राई करूँगी। और ये चारकोल का नोज स्ट्रिप है गाइस, लैक्मे ब्यूटी ब्रांड का, तो ये ब्लैक हेड्स रिमूवर करने के लिए होता है। तो ये एक पैकेट लेकर के आए हैं, इसके अंदर 10 पाउच होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेंशन भी होता है, लिखा भी अंदर पाउच में भी लिखा होता है, हर पाउच पे लिखा होता है, पर पाउच पे आपको डिटेल लिखा होगा। आप सिंगल सिंगल पाउच भी सेल कर सकते हो, ऐसा पूरा पैकेट भी सेल कर सकते हो। और नेक्स्ट मेरा ये फेयर एंड लवली का छोटा पैकेट लेकर के आई हूँ। हर बार मैं छोटा ही पैकेट लेकर के आती थी, तो मेरे कस्टमर लोग बोलते हैं आप बड़ा भी लेकर के आया करो, तो बड़े साइज़ का भी लेकर के आई हूँ। ये छोटे साइज़ का देख सकते हो MRP 62 है, तो 2 छोटा मैं लेकर के आई हूँ और एक बड़ा वाला लेकर के आई हूँ। इसका MRP देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 122। तो ये बड़ा वाला पाउच है, एक इससे भी बड़ा आता है वो 206 रुपीज़ आई थिंक ऐसी कुछ होता है, तो वो मैं नहीं लेकर के आया हूँ, मीडियम साइज़ वाला लेकर के आया हूँ। ये 4 पीस मैंने लाइनर का लेकर के आया है, आइस मैट का रहता है, 2 ब्लू लाइनर हूँ, 2 ब्लैक लाइनर लेकर आई हूँ। और ये कुछ टॉप्स लेकर के आया हूँ गाइज, मेरे अगले बार देखे रहोगे मैं टॉप्स भी लेकर के आई थी। मैं सब छोटे छोटे साइज़ का लेकर के आई थी, तो मेरे पास बड़े कुछ पड़े थे तो बड़े वाले ख़त्म हो गए हैं, तो इस बार मैं सिर्फ सारे बड़े लेकर के आई हूँ। कुछ झुमके टाइप भी लेकर के आई हूँ, बाली टाइप में, इसको चैन वाला बोलते हैं, तो आप इसको भी चैन, मेरे पास पहले था सिंगल चैन था, इसमें 3 लाइन चैन है। देखिए थोड़ा सा यूनिक पैटर्न लगा तो मैं ये भी लेकर के आई हूँ। तो ये कुछ मैंने टॉप्स के कलेक्शन लेकर के आई थी,
कुछ महंगे वाले हैं कुछ सस्ते वाले हैं, ये सस्ते वाले थे और ये कुछ महंगे वाले सस्ते वाले दोनों हैं। और ये नथ का कलेक्शन है गाइस, मैं सबसे पहले लेकर के आई थी 40 रुपीज़ पर पीस सेल करने वाला, अभी मैं लेकर के आई हूँ 70 रुपीज़ पर पीस सेल करने वाला। तो ये आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा हो। ये थोड़ा हैवी कलेक्शन में होने वाला है। नथ के भी मेरे पास काफ़ी अलग अलग रेंज के कलेक्शन थे, 40 रुपीज़ वाले थे, 100 रुपीज़ वाली भी थे, 80 रुपीज़ के थे। तो ये मैं 70 रुपीज़ का लेकर के आई थी। ये कुछ कलेक्शन ऐसा दिखता है, पूरा डायमंड में रहता है, भी सिंगल डायमंड होता है, बाकी अलग अलग मोती के कलेक्शन होते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी भी ला सकते हो अगर आपके यहाँ महाराष्ट्रियन कस्टमर हैं तो, अदरवाइज़ नहीं लाना, नहीं निकलेगा आपका, महाराष्ट्रियन होंगे तो ही निकलेगा। और ये 4 पीस मैंने लैक्मे का काजल लेकर के आई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं 2 ही पीस लेकर के आई थी तो मेरा निकल गया था, तो ये मैं 4 पीस लेकर के आई हूँ। इसका MRP 199 होता है। मैं हमेशा MRP चेक करते रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कभी कभी अपना MRP भी चेंज हो चुका होता है, हमें याद नहीं होता है, हम देखते नहीं, तो हम आपको पुराने ही वाले में सेल कर देते तो अपना लॉस हो जाता है उसके अंदर। तो आपको MRP हर टाइम चेक करना होता है। और ये कुछ 5 पीस मैंने 50 रुपीज़ वाला मंगलसूत्र लेके आया, ये 50 रुपीज़ में सेल होने वाला है। ये उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं होता लेकिन बट पहनने में यूज़फुल होता है, 50 रुपीज़ वसूल हो जाता है ऐसे टाइप है। और ये कुछ मैंने 6 पीस के कांचन वाले झुमके लेकर के आए हैं, बाली वाले बहुत ट्रेंडिंग में चालू है, नवरात्रि स्टार्ट है तो इसके लिए झुमके काफ़ी सारे कस्टमर्स रिक्वायर कर रहे थे। तो 1 पीस मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअल इसका लुक कैसा है। ये देख सकते हो गाइज, ओपन करने के बाद इसके कितने अच्छे क्वालिटी के झुमके लग रहे हैं, झुमके भी अच्छे क्वालिटी के हैं और इसके जो बाली लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कान बाली होता है ये। ये देख सकते हो गाइस, इसका डायमंड भी बहुत अच्छा है, अगर इसको ऑनलाइन आप सर्च करोगे ना गाइस तो 150-200 में सेल होता है, और ये मैं 120 रुपीज़ में सेल करते हैं। इसका झुमके का कलेक्शन देख सकते हो, ये देख सकते हो, तो इसके बाली के भी बहुत अच्छे हैं और ये ऐसे भी हैं। आप इसको ओपन करके ही दिखाना सामने वाले को ताकि उसको पसंद आ जाए। ये 6 पीस में लेकर के आई, वो भी 2 ऑर्डर्स वाले हैं, 4 पीस ही बचने वाला है, वो भी नवरात्रि में निकल जाने वाला है। ये कुछ मैंने नवरात्रि के और भी सारे चीज़ लेकर के आई हूँ, काफ़ी सारे सामान लेकर के आई थी इस बार, जैसे चैन वगैरह हो गए। इसमें जो कुछ ऑर्डर्स वाले हैं जो आज ही निकल जाने वाले हैं, बाकी के कुछ अलग अलग रेंज के हैं। तो ये अलग अलग थोड़े से हैं, 50 रुपीज़ पर पीस सेल होने वाले हैं। और ये कुछ मेरा एक्रेलिक नेल ब्रश है, नेल आर्टिस्ट वाला लुक का होता है यूज़। और ये आप देख सकते हो, आपने ऑनलाइन में देखा होगा, ये नेल आर्ट करते टाइम अपने को टेप यूज़ होता है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया आए, अगर कोई मांगता है नेल आर्टिस्ट, कोई आता है आपके यहाँ पे तो वो नेल टेप मांगेगा, तो नेल टेप इसको ऐसा होता है आपको डिज़ाइन करने के लिए नेल टेप की यूज़ होती है। ये देख सकते हो गाइस, इस टाइप का ये दिखता है। तो आपको ऐसे भी अगर कोई क्लाइंट कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो आपको ऐसे लेकर के आना होता है। जैसे कि गाइस आपने देखा स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आप भी अपना क्वेश्चन डाल दीजिए हर वीडियो में, मैं कमेंट में देखने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, और मैं एक ही क्वेश्चन निकाल के आपको रिप्लाई देने वाली हूँ। और ये मैं कुछ चैन लेकर के आई थी, ये फैंसी चैन होता है, अलग अलग पेंटल के होते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता है, ऐसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि कितना वारंटी रहने वाला, तो ये सब चैन का वारंटी नहीं होता है गाइस। ये 50 रुपीज़ पर पीस सेल होता है, ऑनलाइन 99 रुपीज़ 149 रुपीज़ में सेल होता है। तो आप अपने शॉप में रखना चाहते हो तो आप 49 रुपीज़ में सेल में लगा सकते हो। ये कुछ पैंडल्स देख सकते हो, आपको ऐसे अलग अलग पैंडल्स के लेकर के आने हैं। इसमें पांडा टाइप के भी होता है, तो पांडा का भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, मैं पांडा का ही ढूंढ रही थी बट पांडा का नहीं मिला, तो मैं अलग अलग पैंडल के सब कलेक्शन चूज़ करके लेकर के आई हूँ। ये 50 रुपीज़ में पर पीस सेल होता है। आप अपने शॉप में अलग अलग टाइप के चैन रख सकते हो। ये जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट है, देख सकते हो मैं नवरात्रि के हिसाब से लेकर के आई हूँ लॉन्ग सेट में। ये मैं 99 रुपीज़ में सेल करने वाली हूँ। ये देख सकते हो अलग अलग पैंडल के मैंने डिज़ाइन कलेक्शन चूज़ करके लेकर के आया है, बहुत ही, ये राधा कृष्ण के हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लेकर के आना है आप लोगों को, ताकि एक बार देखने में ही कस्टमर को पसंद आ जाए। और मैं हैंगिंग करने वाली हूँ अपने शॉप में, तो ये सब हैंगिंग करने वाले चीज़ प्रोडक्ट्स है, तो आप अपने हैंगिंग करके रखना। और ये कुछ मैंने एक सेट लेकर के आया, एक बार और लेकर के आई थी, वो 2-4 का था, ये मैंने 2-6 का साइज लेकर के आया है। इसके अंदर बहुत डिमांडेड पीस है ये, इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहता है, तो एक ही मैं लेकर के आया क्योंकि ये मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किया था। और ये कुछ मैंने काफ़ी सारे सेट लेकर के आया है क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट है, तो महाराष्ट्रियन लोग को भी लेते रहते हैं, कुछ कुछ साइज़ कम पड़ जाती है, तो इसके लिए कोई वापस ना चला जाए, इसके लिए मैंने सब कलेक्शन लेकर के आई हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 2-2 पीस लेकर के आई हूँ सब चीज़ का। ये 12 साइज़ का होता है, 12 पीसेस होते हैं इस बैंगल्स में,
और काफ़ी सारे बैंगल्स है। आपको मैं क्लिक करके तो नहीं ओपन करके दिखा सकती वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये 6 पीस वाला है, 6 पीस वाला मैं अगले बार भी लेकर के आई थी, तो अगले बार मैं 2 6 का लेकर के आई थी, तो इस बार मैं 2 8 का लेकर के आई हूँ। ये देख सकते हो डिज़ाइन इसका। ये आपको कैमरे में इसका पॉलिशिंग थोड़ा सा येलो टाइप में दिख रहा होगा, तो बट ये इतना येलो नहीं होता है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये मैं 6 पीस वाला लेकर के आई हूँ बैंगल्स, और ये ऑल ओवर मेरे प्रोडक्ट्स हैं गाइस। तो ये इतने सामान में लेकर के आए हूँ, देख सकते हो। आपको इस वीडियो में से आप अपने कॉस्मेटिक शॉप में कौन सा सामान रखते हो आप कमेंट्स में बताना, आपका कुछ डाउट्स है तो वो भी कमेंट्स में बताना मुझे, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी ही दूंगी। हर वीडियो में एक एक रिप्लाई मैं देने वाली हूँ। एंड गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट्स में बताना, और शेयर करना, लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी एक्सपीरियंस मिले। अगर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, टिप्स चाहिए तो भी ले सकते हैं। ये मेरा ऑल ओवर सामान था गाइज़, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको भी कलेक्शन रेडी करना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अभी मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहना स्टार्ट कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती बट स्टार्ट कर दी हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में वो भी बताना, और लोगों के पास जरूर शेयर करना। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अच्छे खासे सपोर्ट दीजिए, और आपको कैसा लगता है वीडियो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।